4000 से भी ज्यादा का रिटर्न देकर ये केमिकल स्टॉक बन गया है मल्टीबैगर। अब कंपनी ने किया स्टॉक स्प्लिट करने का फैसला। स्पेशलिटी केमिकल की स्मॉल कैप कंपनी विष्णु केमिकल्स ने महज 2 से 3 सालों में निवेशकों को करीब 1000% रिटर्न दिया है और 10 सालों में इसमें करीब 4000% की तेजी आई है। अब इस कंपनी ने अपने शेयरों को स्प्लिट करने का फैसला किया है, यानी कि निवेशकों के पोर्टफोलियो में शेयरों की संख्या बढ़ेगी लेकिन फेस वैल्यू गिर जाएगी। कंपनी ने 31 अक्टूबर को शेयर बाजारों को इसके बारे में जानकारी दी थी। रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक विष्णु केमिकल्स के शेयर को 5:1 के रेशियो में स्प्लिट किया जाएगा, यानी 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले एक फुली पेड अप शेयर को 2 रुपए की फेस वैल्यू वाले 5 फुली पेड अप इक्विटी शेयरों में बांटा जाएगा। इसे बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है। BSE पर मौजूद डिटेल्स के मुताबिक शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिलने के 3 महीने के अंदर इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। विष्णु केमिकल के शेयर 2 नवम्बर 2012 को 40.75 रुपए के भाव पर थे, जो अब 4021.96% बढ़कर 4 नवंबर 2022 को 1778.80 रुपए के भाव पर पहुंच गए हैं। इसका मतलब हुआ कि पिछले 20 सालों में इसने अपने निवेशकों की पूंजी को 41 गुना से ज्यादा बढ़ाया है। कम टाइम फ्रेम की बात करें तो इसमें भी शानदार रिटर्न दिया है। पिछले साल 22 दिसंबर 2021 को इसके शेयर 771.60 रुपए के भाव पर थे, जो एक साल का रिकॉर्ड निचला स्तर है। इसके बाद इसमें खरीदारी बढ़ी और इस साल 8 सितंबर तक 178% के उछाल के साथ इसके शेयर 2147 रुपए के भाव पर पहुंच गए। अभी इसके शेयर 12% डिस्काउंट पर है। विष्णु केमिकल्स स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है, स्टील, ग्लास, फार्मा, पिगमेंट्स और डाइस्ट की इंटरनेशनल कंपनियों को ये सप्लाई करती है। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन की बात करें तो तिमाही आधार पर सितंबर 2022 तिमाही कंपनी के लिए बेहतर रही। BSE पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक जुलाई से सितंबर 2022 में कंपनी का नेट प्रॉफिट तिमाही आधार पर 29.31 करोड़ रुपए से उछलकर 32.56 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वहीं इसी समान अवधि में रेवेन्यू भी 303.91 करोड़ रुपए से बढ़कर 321.52 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। बता दें कि यहां मुहैया जानकारी शेयर परफॉर्मेंस के आधार पर दी गई है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है।